अल्फाबेट सीरीज का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और उस वर्ड के लेटर को किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस करना होगा और फिर हमें उसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स काउंट करने होंगे। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द वर्ड एजुकेशन इफ ईच वोवल रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर एंड ईच कॉन्सोनेंट रिप्लेस विद द प्रीवियस लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट, देन हाउ मैनी वोवल्स विल बी देयर आर इन द वर्ड फॉर्म। हमें वर्ड दिया गया है एजुकेशन, अगर इसमें हर एक वोवल को नेक्स्ट लेटर और हर एक कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो नया वर्ड फॉर्म होगा उसमें कितने वोवल्स होंगे। तो वर्ड है हमारे पास एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड में हमने जो वोवल्स हमें दिए गए हैं, वोवल्स हम लोगों को पता है ए ई आई ओ और यू, ठीक है, जो वोवल्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमने नेक्स्ट लेटर से और जो कॉन्सोनेंट्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमने प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करेंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हमें लेटर बी दिया गया है और बी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो बी से प्रीवियस लेटर होगा ए, ठीक है। तो आइए देखते हैं ई, ई अब वोवल्स है तो वो वोवल्स से नेक्स्ट लेटर, तो ई से नेक्स्ट लेटर होगा एफ, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है डी, डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट अगर है तो उसका प्रीवियस लेटर, तो डी से प्रीवियस लेटर होता है सी। नेक्स्ट लेटर है यू, यू वोवल्स है तो यू से नेक्स्ट लेटर होगा वी, इससे नेक्स्ट लेटर है सी, अब सी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर यानी कि बी। ए, ए वोवल्स है तो वोवल का नेक्स्ट लेटर यहाँ पर भी बी। टी, टी कॉन्सोनेंट है तो इसका प्रीवियस लेटर होता है एस, एस और टी, ठीक है। आई वोवल है तो इसका नेक्स्ट लेटर आई से नेक्स्ट है जे, और ओ भी वोवल है तो ओ, ओ से नेक्स्ट लेटर है पी, और एन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर होगा एम। अब ये हमारे पास न्यू वर्ड बना है, ये हमारे को दिया गया था एजुकेशन और हमारे पास ये जो न्यू वर्ड फॉर्म हुआ है ये बना है एफ सी वी बी बी एस जे पी एंड एम। हमने इस वर्ड में बताना है कि कितने वोवल्स हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक भी वोवल नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अब हमसे इस क्वेश्चन में वोवल्स पूछे गए थे, तो ऑब्वियस है वोवल्स नहीं है कोई, तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पर 9 कॉन्सोनेंट है, तो अगर हमारे पास ऑप्शन में 8, 9, 10 कुछ भी ऑप्शंस दी होती तो हम यहाँ पर उस ऑप्शन पर टिक कर देते, लेकिन अभी हमसे यहाँ पर वोवल पूछा गया है तो वोवल यहाँ पर एक भी नहीं है, तो हमने नन ऑफ दिस को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही इजी मेथड है इन क्वेश्चन को करने का। प्रीवियस लेटर और नेक्स्ट लेटर हम लोगों को पता ही होते हैं, A to Z हम लोगों को आता ही है, तो हम बड़ी इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।